कॉ पर सुनवाई होनी। जस्टिस मदन बी लोको दीपक गुप्ता के बेंच में ये सुनवाई होगी। राजस्थान सरकार की ओर से एजी शिव मंगल पैदल करेंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था, खनन पर रोक हटाने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी फटकार लगाई थी और कहा था सरकार खनन माफिया पैदा कर रही है और खनन माफिया कर रहे लोगों का कत्ल। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी राजस्थान में बजरी खनन पर, ये रोक लगाई गई थी। नवासी संचालित लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किए थे और आज इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ा और अहम मामला है। पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी सुप्रीम कोर्ट ने। बजरी खनन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हमारे संवाददाता सुमित ने याचिकाकर्ता से बातचीत की, आइए सुनते हैं। राजस्थान में बजरी खनन पर रोक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता नवीन शर्मा। नवीन जी, ये बताइए कितना अहम है आज सुनवाई और खासकर कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से बजरी खनन पर जो रोक है उसे हटाने को लेकर, कितनी उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? जहाँ तक उम्मीद है, हमें काफ़ी उम्मीद है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट राजस्थान प्रदेश की जो आज बजरी खनन को लेकर के जो पिछले 3 महीने से जो स्थिति चल रही है और उस जटिलता को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिमांड थी वहाँ उस हिसाब से एक्सपर्ट एनवायरमेंट कमेटी की 19 जो लीजें थी उनकी रिप्लेसमेंट स्टडी अपलोड होकर के उनको आज सबमिट कर दी गई है और उसी को देखते हुए अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शायद हो 16 नवंबर 2000 चाहेंगे कि अध्ययन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही सवाल किया था कि आखिरकार बजरी क्यों जरूरत है, पिछले सुनवाई में सरकार को फटकार भी लगाई थी, तो अध्ययन रिपोर्ट में इसका कुछ जिक्र किया गया है? जहाँ तक अध्ययन रिपोर्ट का सवाल है, इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो सारी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। उसकी गहनता की उसके बारे में डिटेल्स में तो मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु जहाँ तक मोटा मोटी फौरी तौर पे मेरा जो आकलन है, जो हमें एक जानकारी है, अध्ययन रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही है और पॉजिटिविटी को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा शायद आज बजरी खनन पर जो राजस्थान में रोक लगाई हुई है उसमें जो अनिवासी लीजेज हैं उस पर लाइसेंस सस्पेंडेड किया है कोर्ट ने, तो कितनी लीज जो है उसको मंजूरी देने की यहाँ बात चल रही है, पेज कहाँ फंस रहा है? फिलहाल 19 लीजों की रिप्लेसमेंट स्टडी यहाँ सबमिट हो गई है, तो 19 लीजों में तो ये रिप्लेसमेंट स्टडी सबमिट होने की स्थिति में 19 लीजें तो चलने की संभावना है राजस्थान। तो ये थे याचिकाकर्ता नवीन शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नवासी जो लीज को जो सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किया था उसमें 19 लीजों की जो अध्ययन रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई है और उसी रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। काफी अहम है कि क्या 19 लीजों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। सुमित कुमार, जी मीडिया। सवाई माधोपुर से हम खबर है।